पंजाब के करीब की लड़ाई लड़न वाले श्री विजय सांपला जी जेडे एम पी भी रहे चेयरमैन भी रहे और चेयरमैन के अहदे तो रिजाइन दे के फगवाड़े ने अपना प्यार जताने से इतने आए हैं। मित्रों बढ़िया काफ़ी देर तो मैं सुन रहा सी एडवोकेट एक नोबल प्रोफेशन न्याय दिलाने वाला प्रोफेशन। मेरी बहुत पुरानी मित्रता है लोकेश जी नाल, असीं कई बार चर्चा करते हैं। हर प्रोफेशन का एक जिम्मेवारी है और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स होवे या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होवे, एडवोकेट्स ने जो भी पॉलिटिक्स के पैर रखे उन्होंने देश की इंटरनेशनल जिते भी बैठे ने उन्होंने परिवर्तन लिया है। थिंकर भी है, न्याय दिलाने का काम भी है, ड्रेस कोड भी काला दिता है ताकि किसी का रंग ना चढ़ सके। मैं पढ़ रहा सी इब्राहिम लिंकन बहुत जबरदस्त एडवोकेट से, वो दिनों कोर्ट च गौन पाने का चर्चा कि कड़े रंग का गौन हो, किस तरह का गौन हो, डिजाइन की हो, पॉकेट कितने हो। उस मीटिंग च पास होया जिस इब्राहिम लिंकन खुद बैठे से कि जिहड़ा एडवोकेट का गौन होएगा वो जेल भी होगी। अज भी तुम देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट च जिहड़े गौनस ने उन्होंने जेल भी होंगी, लगभग 300 साल पहले की गल है। वकीलों ने इतराज किया कि जेल भी होएगी, कोई पैसा देगा रखांगे कितने। उन्होंने कहा इहदे पिछे एक थैली होएगी जिहनूं असीं अजकल कैप कहिंदे आ। मेरी बात भाजी बोला बड़ा जबरदस्त सी और होना भी चाहिए। जो तुसी बोल रहे थे तुसी नहीं बोल रहे, आवाम बोल रहे। मैंने याद है देश की आजादी के लगभग 4 दशक बीतन तो बाद देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक स्टेज पर कहा सी राहुल गांधी जी के पिता जी ने कि मैं 100 रुपया दिल्लियों भेजना, 14 रुपये चौपड़ी च पहुंचते। उस तो बाद करप्शन की हदा लगियां, बॉम्बर्स आया, 10 साल का शासन लिया जिस 12 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से लुटिया गया, कैक ने मंगा। देश की अकाउंटेंट जनरल जी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपया लुटिया गया। मित्रों अज साडी सरकार है 26 मई 2014, अज असीं गर्व नाल कहिंदे आ दिल्लीओं 100 रुपये भेजदे आ झोंपड़ी च, 100 ही पहुंचदा, 99.99 ही पहुंचदा। हिंदुस्तान का टोटल एक्सपेंस डायरेक्ट बेनीफिट राइट असीं उहनूं लैके आंदा, विचकार दलाल व्यक्ति वो खत्म करदा। बड़े 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 रेवोल्यूशनरी चेंज रह के आने, ठीक है चेंज रह आने के बड़े चुनौतियां भी आदि हैं, सामने विरोध भी आता है। देश के अंदर गरीब की चिंता पहली बारी मोदी साहब ने की है। तुम हैरान हो गए, तुम पढ़े लिखे लोग हो, देश के अंदर 26 मई 2014 तो बाद पहली 26 मई 2014 तो बाद मोदी की सरकार बनने तो बाद 40 करोड़ लोगों को बैंकिंग के नाल जोड़िया। 40 करोड़ लोग बैंक जाते ही नहीं, 11 करोड़ लोगों के घर शौचालय नहीं सी जिहड़ा मोदी साहब ने बनाया टॉयलेट, 12 करोड़ लोगों के घर गैस ही नहीं सी, वो अजे तक लकड़ा ही बालता देश की स्थिति। सो मेरी तुहाडे अगे बेनती है क्वेश्चन जरूर पूछो, कटघहरे च जरूर खड़ा करो, लेकिन जिन्हें लोगों ने अच्छा काम किया सराहना करो, जिन्होंने अच्छा नहीं किया तो जवाब रखो। तुसी तर्क दे नाल लॉजिक दे नाल दुनिया दे अगे अदालत दे अगे गल्लां रखदे हो, न्याय दिलांदे हो। पंजाब की जनता जो तुहाडे कटघहरे च खड़ी है, न्याय दिलाने का काम तुहाडे जिम्मे है,
क्योंकि वोटर ने निर्णय लेना है, वोटर सब ना वड्डा जज है। और तुहाडे के मैं बेनती करना, पंजाब के वकील बन के, पंजाब के गरीब के वकील बन के अज आवाज उठाओ। पंजाब के अंदर 9/1/2017 में मैनीफेस्टो लागू होया सी, कांग्रेस ने मैनीफेस्टो भेजा सी। मैनीफेस्टो नूं अज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि लीगल डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने खुद खड़े होकर कहा कि नहीं, झूठे वादे जिहड़े लोग कर रहे हैं उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न च लवो और इलेक्शन कमीशन ओबे कराए। वादा किया 90,000 करोड़ के किसानी कर्जे माफ का, पंजाब का गरीब किसान अज भी रो रहा 90,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं हो। झूठा वादा किया 68 लाख नौकरियां देंगे, मैनीफेस्टो च लिखा हर घर नौकरी, 68 लाख रेजिडेंस ने। अब फिर वो कांग्रेस के लोग नवा मॉडल सिद्धू साहब सिरे रोज आएंगे, पंजाब मॉडल बई पुराना होमवर्क तो कर ला बई, नवा मंग ले। 60 लाख मोबाइल जामनी, 60 लाख मोबाइल, एक मोबाइल नहीं मंडे, आटा दाल के नाल चाह पत्ती घ्यो ते खंड देंगे। तुम वकील हो, पंजाब की चिंता की नुमाइंदगी करो। इन्हों लोगों को पुछो कितने गए हो। अज अगर नवा मॉडल इन्हों का मान लीए, पुराना मॉडल अजे भुल जाइए, वो तो 90,000 करोड़ एको हैड च देना सी। अज भी वह कह रहे हैं 30,000 करोड़ रुपया पर ईयर असी खर्च करांगे, एक कह रहे 25,000 करोड़, एक कह रहे 22,000 करोड़। चीफ जस्टिस कहते हैं वो कागजात लिखा लो, उस कानून बनने का टाइम लगना है। पैसा आता 1400 करोड़ रेवन्यू स्टेट को, कितों पूरा हो। ऐसी से मेरी तुहाडे अग्गे बेनती है, तुसी पढ़े लिखे लोग हो, व्यू मेकर हो, जनता का मन बनाते हो। पंजाब के अंदर झूठिया पार्टियां, झूठे लोग, झूठ की झूठ, एक झूठ बोलता कुछ तो वड्डा झूठ बोलता, कुछ तो वड्डा झूठ बोलता। जिहड़ा व्यक्ति पिछले 15 साल तो फाइनेंस मिनिस्टर है, वह मैनीफेस्टो लिखता है 15 साल तो कह रहे हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है। लिखे लोगों की कार्ड कटो, तुहाडे च कोई सरदार पटेल बैठा है जिन्हें वकील बन के किसानों की लड़ाई लड़ी, तुहाडे विच अरुण जेटली बैठा, अरुण शोरी बैठा, तुहाडे विच बैठे। मेरी तुहाडे अग्गे बेनती है कि पंजाब के अंदर पहली बारी पंजाब का खनन रेवन्यू डिग गया, जिहड़ा खजाने में पैसा जाना सी वह डिग गया, आ ही नहीं रहा। तो किना पैसा सी, पंजाब के गरीब का पैसा सी, उन्हें पंजाब के गरीब ने पढ़ना सी, बच्चे ने पढ़ना सी। पंजाब को केंद्र पैसा भेजता है कि यार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, गरीब का बच्चा इंजीनियर बन जाए, गरीब का बच्चा CA बन जाए, वकील बन जाए, उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देंगे। केंद्र सरकार पैसा भेजता है, पंजाब का मंत्री धर्मसोत खाजर है, फिर इलेक्शन लड़ गया। मोदी साहब पैसा भेज रहे रोड्स बनाना से, स्टेट का PW डिपार्टमेंट पिछले 5 साल से एक इट नहीं लगता, कौन लड़ेगा भी लड़ाई, कौन लड़ेगा भी लड़ाई। सो मैं थोड़ी चैंबर चाया, बार के चैंबर चाया, और केस लैके आया पंजाब की गरीब जनता का, थोड़े के केस लैके आया, पंजाब का केस लैके आया, पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने का केस लैके आया। हर जेब च मोबाइल पहुंचाना सी, 5 साल च नहीं पहुंचा, डकैती बच गई। नौजवान को फार्म भराए ने, फार्म से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है ना, डिसअवेयर हो गया। पंजाब की जनता का केस तुहाडे कोल लैके आया, मेरी हाथ जोड़ के बेनती ने, वो झूठे लोगों को पंजाब को बचा दो। और अज असीं सांपला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप च इत्थे खड़े हुए जी, जो क्या है 26 मई 2014 की सरकार जो क्या है अक्षरशाह साढ़े मैनीफेस्टो में टिक कर 11 वादे किए, 50, 100, 200 किता नहीं, 11 किए भी खजाना खाली है, कर्जा देना से तो छोड़ो, कर्जे का ब्याज देने से नवा कर्जा लेना पै रहा है।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी अते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे वस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनपन, जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ, जा तोड़वाओ, रुसे नू मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।